लो आ गई यूपीएससी की ड्रग इंस्पेक्टर की 26 पोस्ट, पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मसाई एकेडमी, दिस इज हिमांशु। जैसा कि कुछ ही दिनों पहले प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था, स्क्रीन पे आपको वीडियो दिख रहा है कि सर आने वाले टाइम में यूपीएससी की वैकेंसी कब तक आ सकती है, तो इस वीडियो में मैंने आपको लमसम बताया था कि इतनी इतनी पोस्टें जो है वो लगभग आने वाली है, उसमें से इतनी तो नहीं बट कुछ एक पोस्टें निकल के आई है। कितनी आई है भैया? लगभग 26 यूपीएससी की ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी जो है वो आ चुकी है। इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट है, और जैसे इस ऑफिशियल वेबसाइट में रिक्वायरमेंट एडवर्टीजमेंट पे आप क्लिक करिएगा तो इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग आप रिक्वायरमेंट एडवर्टीजमेंट जो है वो दिखाई दे रही है। एडवर्टीजमेंट नंबर 19 को जैसे ही आप ओपन करेंगे इस पीडीएफ को, तो इसमें देखिए काफी सारी अदर भी वैकेंसी है, जैसे कि सीनियर डिजाइनर ऑफिसर ग्रेड 1, और उसके साथ जो है वैकेंसी साइंटिस्ट भी, डॉक्यूमेंटेशन सेंटर फॉरेंसिक साइंस, और इतनी सारी वैकेंसी के साथ नंबर 7 पे सीधा मैं पॉइंट पे आपको लेके जाऊंगा। नंबर 7 पे आपको दिख रही है वैकेंसी नंबर 22101907108, यानी कि इस एडवर्टीजमेंट में 26 ड्रग इंस्पेक्टर पोस्ट इन ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड नेशनल ऑफ दिल्ली, यहां पे वैकेंसी है लगभग जैसे कि मैंने आपको बताया, आपकी ये जो वैकेंसी है लगभग 26 पोस्टों पे ये वैकेंसी है, और जिसमें कि आप देख पा रहे हैं, देखिए अनरिजर्व कैटेगरी की आपकी 10 पोस्टें हैं, ओबीसी की आपकी जो है इसमें 10 पोस्टें हैं, और एसटी की आपकी 01 पोस्ट है, और एससी की आपकी 03 पोस्ट है ना। इसके अलावा आपका पीडब्ल्यूबीडी की जो है आपकी 2 पोस्ट है, ठीक है। तो ओवरऑल जो है आपकी 26 पोस्ट पे यहाँ पे वैकेंसी जो है वो नजर आ रही है। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि सर यहां तक तो समझ में आ गई, अब सबसे बड़ी बात है सर एलिजिबिलिटी को डिस्कस करते हैं। तो नीचे आप देख पा रहे हैं, देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो सबसे पहले डिग्री इन फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल साइंस, यानी कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या हो गई सर, बी फार्मा पास आउट स्टूडेंट जो है वो यहां पे एलिजिबल है। जैसे कि आप जानते हैं ड्रग इंस्पेक्टर की जो एलिजिबिलिटी होती है, डिग्री इन फार्मेसी जो है इसकी एलिजिबिलिटी होती है। अब बात आती है सर इसकी एज लिमिट जो है वो क्या रहने वाली है, तो देखिए यहां पे 30 ईयर जो है वो इसकी एज लिमिट है, 30 साल जो है वो इसकी एज लिमिट रहने वाली है। नेक्स्ट मैं बात करूं और फार्मास्यूटिकल साइंस मेडिसिनल विथ स्पेशलाइजेशन ऑफ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय इंडियन लॉ, मतलब आपकी बी फार्म कंप्लीट है, माइक्रोबायोलॉजी क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि सर क्या यहाँ पे वो 18 महीने वाला एक्सपीरियंस चाहिए या फिर नहीं चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जी हाँ क्लियरली मेंशन है, नॉट लेस देन 18 मंथ एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चरिंग एटलीस्ट वन ऑफ द सब्सटेंस स्पेसिफिक शेड्यूल C1। जैसा कि हर बार, देखिए एक और मैंने वीडियो बनाया था, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, जिसमें कि मैंने बताया था कि अगर कोई स्टूडेंट ड्रग इंस्पेक्टर बनना चाहता है तो उसको सेफ जोन में चलते हुए 18 मंथ का शेड्यूल सी सब्सटेंस ए कोई इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस ले लेना चाहिए जिसमें कि शेड्यूल सी ड्रग जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो ऐसा ही यहाँ पे मेंशन है, शेड्यूल सी ड्रग का आपका लगभग 18 मंथ का एक्सपीरियंस जो है वो रहना चाहिए। बाकी सेकंड रिक्वायरमेंट भी आप देख सकते हैं, हु हैव ग्रैंड एक्सपीरियंस ऑफ नॉट लेस देन 3 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग इन सब्सटेंस स्पेसिफिक शेड्यूल सी, ठीक है, या फिर तो ये या फिर वो एक्सपीरियंस जो है वो आपके पास में होना चाहिए। बाकी किस हिसाब से लिखा हुआ देखिए, नोट करके एक चीज लिखी हुई है, द क्वालिफिकेशन रिलैक्सेशन एट द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर रीजन रिकॉर्ड रिटर्न एग्जामिनेशन कैंडिडेट कैन बी अदरवाइज क्वालिफाई, अगर आप अदरवाइज क्वालिफाई है देन आपको अलग से कंसिडर जो है वो किया जाएगा। बाकी सारी रिक्वायरमेंट आप देख पा रहे हैं किस हिसाब से ये वैकेंसी है। यहाँ पे बात आती है कि सर इसकी एग्जामिनेशन फॉर्म कब से शुरू हो जाएंगे, तो देखिए क्लोजिंग डेट जो है वो इसकी 27/10/2022 जो है इसकी क्लोजिंग डेट है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए कुछ ही दिनों में पहले, यानी कि लगभग 10-15 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि यूपीएससी की एक वैकेंसी जो है ड्रग इंस्पेक्टर की आ सकती है, आपको अच्छी वैकेंसी देखने को मिल सकती है, बट एक तो वो वैकेंसी नहीं आई है, बट लगभग
कुछ अच्छे नंबर देख सकते हैं, क्योंकि 26 पोस्ट भी बहुत ही अच्छी पोस्ट है। तो जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी के रिगार्डिंग एक और मैं वीडियोस बनाऊंगा, जिसमें किस हिसाब से इसका आपको प्रॉपर वे में एप्लीकेशन फॉर्म को एलिजिबिलिटी चेक करते हुए इसको आगे बढ़ना है। और इसी के साथ यूपीएससी के पुराने पेपर में से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको लेकर भी मैं आगे वीडियोस बनाता रहूंगा। अब बात आती है कि सर जी हाँ, आपका मैंने प्रीवियसली भी वीडियो देखा था जिसमें कि आपने इस वैकेंसी के बारे में बताया था कि हाँ ये आने वाली है वैकेंसी, इतने नंबर पर नहीं कम नंबर पर आई है। सर ये बताइए इसकी तैयारी कैसे करें, जो स्टूडेंट एलिजिबल है इसकी तैयारी कैसे करनी है। तो यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ, देखिए सीधी सी बात है भैया कि स्क्रीन पे आपको वीडियो दिख रहा है, और जो स्टूडेंट ड्रग इंस्पेक्टर की तैयारी करना चाहता है एकदम बढ़िया वाली, तो उस वीडियो को उस स्टूडेंट को ये वीडियो देखना जरूरी है, जिसमें जितने भी आपकी रेफरेंस बुक्स हैं। अब ड्रग इंस्पेक्टर में आपका सिलेक्शन ऐसे नहीं होता भैया, आपको रेफरेंस बुक को लेकर अच्छे से पढ़ना पड़ता है ना। तो और अच्छे से अगर तैयारी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप जरूर देखें, जिसमें जितने भी आपकी रेफरेंस बुक्स हैं जिनको पढ़कर आप एक अच्छी लेवल की तैयारी कर सकते हैं, उन सारी बुक्स के बारे में मैंने बता रखा हूं मैं कैसे तैयारी किस हिसाब से करनी है, उसमें भी हमने जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो ये वीडियो के एंड में इधर आपको वो वीडियो मिलेगा, इसको आप जरूर चेक करें, ठीक है जी। तो मीनवाइल वीडियो को मैं कंक्लूड करूंगा, एलिजिबिलिटी बी फार्म स्टूडेंट जो है वो एलिजिबल है विद आपके 18 मंथ का एक्सपीरियंस जो है वो मांग रहे हैं शेड्यूल सी सी वन ड्रग में, वो आप एलिजिबल हैं, देन यू आर एलिजिबल, आप जो है ड्रग इंस्पेक्टर की ये 26 पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इस पीडीएफ की लिंक मैं डायरेक्टली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि अगर कोई स्टूडेंट शुरुआत से जानना चाहता है, बीफार्म कर रहा है वो स्टूडेंट है, तो देखिए यहाँ पे हम काफ़ी बार बात कर चुके हैं किस हिसाब से ये वैकेंसी रहती है, क्या वैकेंसी रहती है। अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि आने वाले टाइम में, ये तो कम है बट आने वाले टाइम में 2023 में भी आपको एक वैकेंसी मिल सकती है असिस्टेंट ड्रग इंस्पेक्टर की, और ड्रग इंस्पेक्टर की लगभग आपको 80-80 पोस्टें जो है वो मिल सकती है। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी भी वापस से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, असिस्टेंट ड्रग इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है आपकी वो आने वाली है लगभग 80 पोस्टों पे वैकेंसी आने वाली है, जो कि एसएससी के थ्रू कंडक्ट होगी। अब बात आती है सर एसएससी के थ्रू कंडक्ट होगी तो इसमें सिलेबस, जी हाँ फार्मेसी का ही सिलेबस रहेगा, ये फार्मासिस्ट की वैकेंसी नहीं है जो एसएससी दूसरे पैटर्न पे करवाएगी। और इसके बाद में यूपीएससी की एक और पोस्ट आपको देखने को मिल सकती है ड्रग इंस्पेक्टर की, लगभग ये भी 75-74 पोस्ट हो सकती है आपकी, जिसमें कि ये वैकेंसी वापस आपके यूपीएससी कराएगा, क्योंकि ये क्या है गजेटेड ऑफिसर की एक पोस्ट है, ठीक है जी। बाकी इस पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड करवा ही दूंगा, आप यहां से चेक कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी है, बाकी सारी रिक्वायरमेंट जो है वो आप चेक कर सकते हैं। अब बात आती है काफी सारे स्टूडेंट को कि सर मुझे तो ये एक्सपीरियंस लेना है, वो किस हिसाब से होगा सर, कौन सी इंडस्ट्री से मैं एक्सपीरियंस ले लूंगा। तो देखिए अभी तो ये वैकेंसी आ चुकी है, बट फ्यूचर में जो स्टूडेंट टारगेटेड तैयारी करते हैं कि मुझे तो ड्रग इंस्पेक्टर ही बनना है सर, अच्छे से तैयारी करते हुए, तो उन स्टूडेंट को मैं बताना चाहूंगा जो इंडस्ट्री में, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, जो इंडस्ट्री में शेड्यूल सी सी वन ड्रग जो बन रही है, जिसका सब्सटेंस बन रहा है, उसमें आपको जो है मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ठीक है, उन इंडस्ट्री में आपको एक्सपीरियंस लेना है, और वही एक्सपीरियंस जो है वो वैलिड होता है, ठीक है जी। तो कैसा लगा इन्फॉर्मेशन जरूर बताए कमेंट सेक्शन में, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जी हाँ तो सब्सक्राइब बनता है, सबसे पहले सटीक और सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून, ऐसे ही फॉर्म रिगार्डिंग न्यूज अपडेट, वैकेंसी अपडेट, वीडियो लेक्चर्स के लिए